हेलो एंड वेलकम टू टायर एक्सपर्ट एडवाइस। और आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको डेली न्यू वीडियोस देखने मिले और आप जो है अपने व्हीकल के लिए सबसे बेहतरीन टायर चुनें और उसमें गलती ना हो। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, आप टायर एक्सपर्ट एडवाइस को सब्सक्राइब करने के साथ आप उसका बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूँ, जैसे कि ये जो लेफ्ट में मेरे साइड में टायर है, इसका साइज़ है 818 और इसका साइज़ है 318, और दोनों ही सीएट कंपनी के टायर्स हैं। ये ट्यूबलेस टायर है, ये ट्यूब वाला टायर है, और इसका पैटर्न का नाम है ग्रिपेक्स 3 और इसका पैटर्न का नाम है माइलेज। तो ये दोनों ही बैक साइड के टायर हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जैसे कि बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ कि यहाँ पे ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये 318 की साइज़ हल्की सी ज़्यादा बड़ी है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर है, और ये जो है थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि ये थोड़ा हाइटेड टायर है। और 2.75/18 और 80/18 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही कॉमन होते हैं। लेकिन 318 थोड़ा सा जो है बड़ा टायर होता है, साथ ही इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है इस टायर से। और जैसे कि मैं आपको बता दूँ, दोनों की लोड कैरिंग कैपेसिटी सेम है, यानी कि सॉरी, लोड कैरिंग कैपेसिटी दोनों की अलग अलग है, और दोनों की मैक्स स्पीड जो है वो सेम है, यानी कि 150 km/h और इसकी 150 km/h। तो चलिए जी, मैं आपको एक एक करके जो है दोनों टायर्स का साइड से रिव्यू देता हूँ, कौन सा टायर कैसा है क्या है ये हम जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ग्रिपेक्स 3 प्लस, यहाँ पे आपको तो कंपनी का नाम है, यहाँ पे वापस से ग्रिपेक्स 3 पैटर्न का नाम, ये साइज़ 818/C54P, और ये यहाँ पे रोटेशन पैटर्न लेफ्ट साइड में, क्योंकि मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की थी, तो क्लॉकवाइज होगा, अभी तो एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे कि मिड इंडिया टायर है, यहाँ पे ग्रिपेक्स 3 वापस से पैटर्न का नाम है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वापस से सीट कंपनी का नाम है। तो चलिए इसको दूसरी साइड डिस्कवर करते हैं। तो दूसरी साइड डिस्कवर करते हुए यहाँ पे देखते हैं, ये सीट कंपनी का नाम है प्लस यहाँ पे ग्रिपेक्स 3 पैटर्न का नाम, यहाँ पे इसका नायलॉन है, और यहाँ पे ट्यूबलेस, जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी मैक्स स्पीड 150 km/h। इसका मैक्स लोड जो होगा इसका वो है 212 kg, यानी कि 212 kg के ऊपर आपको इस व्हीकल पर ना डला है, क्योंकि लोड कैरिंग कैपेसिटी उतनी ही है। और इसका जैसे कि हम बात कर रहे हैं, इसका जैसे कि ये आपके वापस साइज़ और ये 54P, यानी कि लोड इंडेक्स, जैसे कि यहाँ पे कंपनी के टायर का सीरियल नंबर, या ऐसा मार्किंग, ये रोटेशन चेंज हो गया क्लॉकवाइज, क्योंकि मैंने आपकी इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है, ऐसा मार्किंग वगैरह भी है, और ये कंपनी का बारकोड है। तो चलिए दूसरे टायर को हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये ट्यूब टायर वाला टायर है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये सीएट कंपनी का लोगो है, यहाँ पे माइलेज लिखा हुआ, यानी कि ये पैटर्न का नाम है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं वापस से कंपनी का नाम, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं 150 km/h, जो कि मैंने आपको बताया था दोनों टायर्स में सेम होता है। ये दोनों ही 6 ply रेटिंग वाले टायर हैं, दोनों नायलॉन टायर हैं, दोनों में धागे आते हैं। ये 52P है, और वो जो था वो मैं आपको बता दूँ, वो 48P था, नहीं सॉरी, दोनों वो 54P था, ये 52P है। सो आई एम रियली सॉरी, ये कंपनी का नाम, और ये वापस से माइलेज। तो चलिए इसकी दूसरी साइड डिस्कवर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, ये कंपनी का मार्किंग, यानी कि वो बारकोड है, यहाँ पे कंपनी का नाम, यहाँ पे कंपनी इसका सीरियल नंबर, ये है, यहाँ पे साइज़ है इसका 6 ply रेटिंग, और ये सीएट कंपनी का नाम है। तो चलिए फटाफट मैं इन दोनों टायर्स का रिव्यू आपको देता हूँ, और कौन सा बेहतरीन रहेगा आपके टायर्स के लिए वो भी आपको बता दूँ। तो ये जो है ट्यूब टाइप वाला टायर, ये पुरानी व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा चलता था, और ये आजकल के लेटेस्ट व्हीकल में सबसे ज़्यादा चलने वाला टायर है। पुरानी व्हीकल्स यानी कि RX 100 हो गई, पैशन हो गई, पैशन प्लस हो गई, पैशन एक्स प्रो हो गई, ये सब व्हीकल्स में जो है 318 ट्यूब टाइप वाला टायर लग जाता है, या फिर HF डीलक्स, या फिर स्प्लेंडर, या फिर पुरानी होंडा शाइन, ये सब व्हीकल्स में जो है ये ट्यूबलेस टायर लगते हैं, ट्यूब टायर वाला टायर लग जाता है। लेकिन आजकल के लेटेस्ट व्हीकल के बारे में बात करें तो शाइन शाइन 125 SP, ड्रीम न्यू, ड्रीम युगा, या फिर स्प्लेंडर आई स्मार्ट, और लेटेस्ट वाली जो स्प्लेंडर है वो, तो ये सब व्हीकल्स में जो है आजकल जो है ये 818 लग जाता है, क्योंकि ट्यूबलेस टायर है। और चलिए मैं इन दोनों के बारे में आपको बता दूँ, तो ये दोनों ब्लैक, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ब्लॉक पैटर्न वाला टायर है, और ये जो है ये रेगुलर पैटर्न वाला टायर है। तो दोनों का 3 साल वारंटी आता है, दोनों का अनकंडीशनल वारंटी आता है। ये जैसे कि कट बल्जन बस्ट के सिलसिले में आपको टायर रिप्लेस करके मिलता है। और मैं इसके बारे में अगर बात करूँ, तो ये जो टायर है इसका वेट जो है, इसका वेट मिनिमम आपको बता दूँ तो 3 to 4 kg अगर होना चाहिए, और इसका वेट अगर मैं बता दूँ तो 3 kg के आसपास होना चाहिए। तो इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ट्यूब भी है। तो जैसे कि मैं आपको इन दोनों का डिटेल रिव्यू देता हूँ, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर ये पंचर हो जाता है तो ये जगह पे बैठ जाता है, लेकिन ये पंचर होने पे 10 से 15 किलोमीटर आपको सर्विस दे देगा।
इसका पंचर इमीडिएट बनाना पड़ता है। इसका पंचर अगर आप इमीडिएट ना बनाना चाहे, यानी कि आपका व्हीकल जो है टायर में थोड़ा सा पीछे से पंचर हो गया, थोड़ा सा प्रेशर धीरे धीरे कम होता है, तो हाँ अगर आपको कहीं पे पंचर नहीं बनवाना है, यानी कि आपको लगता है कि इसका फैसिलिटी नहीं है कभी पंचर बनाने का, यानी कि या फिर स्किल्ड मैकेनिक अगर नहीं है, तो आप इसमें सादी हवा भरवाएं, और भरवाने के बाद जो है इसका 10 से 15 किलोमीटर और सर्विस देगा, यानी कि आपकी डेस्टिनेशन तक आपको ये पहुँचा देगा बिल्कुल। और इसके बारे में बात करें तो जैसे कि लाइफ के अगर बारे में अगर बात करें, तो लाइफ इसका जो है, इस लाइफ इसका ज़्यादा है। इसका मैं आपको बता दूँ, 35 to 40,000 किलोमीटर्स है इसका। इसका जो है 30 to 35,000 किलोमीटर इसका सर्विस मिलेगा, क्योंकि जैसे कि इसका 25 to 35 में आप पकड़ सकते हैं, 25 भी हो जाता है किसी किसी का। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इसका लाइफ ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये ट्यूब ट्यूब वाला टायर है, क्योंकि ये जो जो पंचर होता है, तो ये ट्यूब ट्यूब का पंचर बनता है, और ये जो पंचर बनता है ये टायर का पंचर बन जाता है। और दूसरी खास बात बता दूँ, तो इसका पंचर बनाने में आधा घंटा टाइम लग जाता है, इसका पंचर बनाने में 5 मिनट लग जाते हैं। तो जैसे कि जो डैमेज होता है, जैसे कि पंचर में जो डैमेज होता है वो ट्यूब डैमेज होता है, तो टायर में कोई ज़्यादा डैमेज होता नहीं, वो खिल्ला निकालने के बाद एज इट इज चलते रहता है। लेकिन ये जो टायर है, ये डायरेक्ट टायर डैमेज होता है, इसलिए ज़्यादा पंचर बनने पर आपका जो टायर है वो पूरा डैमेज हो जाता है, यानी कि 7-8 पंचर तक की एक कैपेसिटी होती है एक टायर की, पूरा लाइफ लॉन्ग इसकी पंचर झेलने की, या फिर अगर पंचर नहीं होता है तो फिर इसका, मैंने जैसे आपको किलोमीटर बताया वो। और दूसरी खास बात, दोनों ही टायर अगर आपका रनिंग नहीं है तो 3 साल में रिप्लेस करें, और अगर आपका रनिंग है तो रनिंग के हिसाब से जो किलोमीटर में आपको होता है उतने किलोमीटर में आप जो है टायर रिप्लेस कर दें। प्रेशर अगर इन दोनों की बात करें, तो सिंगल लोड पे आपका इसका 35 बैक साइड में दोनों टायर्स पे, और फुल लोड यानी कि फुल लोड या फिर डबल सीट अगर आप मिलनी चलते हैं तो 40 PSI रखें। तो और एक खास बात इसमें बता दूं आपको, इसमें नाइट्रोजन एयर फिल करवाएं, जिससे आपका टायर का लाइफ 25 to 30% इंक्रीज़ होगा, क्योंकि नाइट्रोजन एयर जो है कम या ज़्यादा नहीं होता है, और नाइट्रोजन एयर जैसे कि कम या ज़्यादा नहीं होता तो प्रेशर जो है एज इट इज़ रहता है, और इसका जो नाइट्रोजन एयर जो है वो आजकल बहुत जगह पे अवेलेबल हो जाता है, जैसे कि पेट्रोल पम्प्स और हाईवेज़ पे भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है, और मंथ में इसको एक बार चेक करना पड़ता है। जैसे कि नॉर्मल एयर जो होता है वो आपको 2 to 4 days या फिर 1 week में चेक करना पड़ता है, क्योंकि वो कम या ज़्यादा हो जाता है। दूसरी खास बात, इसका जो टायर है वो उसको कूल रखता है, यानी कि जो प्रेशर होता है उसका, एयर जो है वो कूल होता है, और नॉर्मल एयर का जो प्रेशर होता है वो हॉट होता है, गर्म होता है, जिससे टायर का जो प्रेशर हॉट होने पर जो है ये वो जो है टायर को और गर्म कर देता है, और टायर गर्म होने पर परफॉर्मेंस में इतनी फील नहीं आती। नाइट्रोजन एयर अगर आप डलवाएंगे तो वो टायर टायर को जो है हल्का रखता है, क्योंकि उसकी एयर हल्की होती है, और नॉर्मल एयर जो होता है वो ज़्यादा हैवी हैवी वेट होता है, उसका वेट जो है ज़्यादा हैवी होता है नाइट्रोजन एयर से, तो जिससे आपको परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी नहीं मिल पाती नॉर्मल एयर डलवाने से, और जिससे आपका एवरेज भी बढ़ जाएगा कि अगर आप नाइट्रोजन एयर फिल करवाएं, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी आपकी बढ़ गई, टायर लाइट वेट हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका एवरेज बढ़ जाएगा। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों ही हाईवे या ऑफ रोड्स के लिए बहुत ही बढ़िया टायर है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हाईवे में अगर आप चला रहे हैं तो आपको जो है चलाने में हाई स्पीड्स में जो है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी दोनों टायर्स में। और जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आप ऑफ रोड यानी कि रफ पैचेस या फिर खेड़े वगैरह में या फिर वही तालुका लेवल में कहीं भी अगर आप जा रहे हैं, तो ये जो है ये स्लिप नहीं करेगा। दोनों का वाटर रिपेलिंग कैपेसिटी और जो है वाटर रिपेलिंग और रफ पैचेस में जो हैंडल करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये जो टायर है ये एक तो स्लिप भी नहीं करेगा, ये भी स्लिप नहीं करेगा, और ये जो है इसका वाटर रिपेलिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है, इसका भी है। तो दोनों ही वाटर रिपेलिंग और रफ पैचेस में चलने वाले ज़्यादा अच्छे टायर्स है। हैंडलिंग की अगर हम बात करें तो इसका इसका हैंडलिंग जो है, दोनों का हैंडलिंग जो है बहुत ही बढ़िया है। तो हैंडलिंग यानी कि आपको चलाने में जो कंफर्ट महसूस होगा, यानी कि कॉर्नरिंग्स और टर्निंग्स पे जो आपको महसूस होगा, यानी कि वो जो कभी कभी जो है टायर जो स्किड होने का डर होता है या फिर ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो इसमें इन दोनों टायर्स में नहीं होगा, क्योंकि दोनों जो है जैसे कि ब्लॉक पैटर्न वाले टायर आप देख पा रहे हैं, तो वो दोनों ही टायर स्किड नहीं करेंगे, हाई स्पीड्स के लिए भी दोनों टायर बने हुए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दोनों टायर है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये था मेरा रिव्यू, 318 वर्सेस 1818, माइलेज वर्सेस ग्रिप एक्स 3,
ट्यूब टायर वर्सेस ट्यूबलेस, ये था मेरा दोनों का रिव्यू। और मुझे आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आप मुझे बताइएगा वीडियो में, आपको मैं कौन सा एलिमेंट मिस कर रहा हूँ ये भी आप मुझे बता सकते हैं, और कौन से टायर का आपको रिव्यू चाहिए ये भी मुझे बताइएगा, और आपको कोई टायर से रिलेटेड सवाल हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोनों तीनों चारों चीज़ें बताइए, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा कमेंट में। तो ये था मेरा दोनों टायर का रिव्यू, आज के लिए इतना ही। टायर एक्सपर्ट एडवर्ट से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।